हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना यानी बिहार SSC के बारे में। यहाँ देख सकते हैं दिनांक 19/11/2021, यानी ये आज का ही नोटिस है। ये नोटिस में किस लिए है, तो ये काउंसलिंग से संबंधित है कि कब काउंसलिंग है उसके बारे में है। तो देखिए, यहाँ दिया गया है सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना यानी बिहार SSC के सचिव ने लेटर लिखा है, सचिव कृषि विभाग बिहार पटना यानी कृषि विभाग को लेटर लिखा गया है। अब विषय में यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के काउंसलिंग हेतु, यानी लिखा गया है कि काउंसलिंग हेतु बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना का भवन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी बिहार SSC ने बताया है कि जो विज्ञापन संख्या इतना है 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता के लिए उसके काउंसलिंग के लिए भवन की आवश्यकता है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ लिखा गया कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की काउंसलिंग दिनांक 2/12/2021 से आयोजित की जानी है, यानी काउंसलिंग का दिनांक यहां दिया गया है कि 2/12/2021 से आयोजित की जानी है। उक्त काउंसलिंग के सफल संचालन हेतु बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना का भवन की आवश्यकता है, यानी कृषि विभाग के पत्र लिखा गया, लेटर लिखा गया है कि 2 दिसंबर से काउंसलिंग चालू है, इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भवन की आवश्यकता है बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ लिखा गया आवश्यकता है। उसके आगे लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के तृतीय श्रेणी के पद की वर्ष 2014 से रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे विभागों के द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की अनुशंसा प्रेषित करने हेतु निरंतर स्मारक प्राप्त हो रहे हैं, अतः परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग का कार्य अल्प अवधि में कराने की आवश्यकता है, यानी जल्द से जल्द काउंसलिंग जो का कार्य है वो जल्द से जल्द, यहाँ देखिए अल्प अवधि में करना की आवश्यकता है यहाँ लिखा गया है। और बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना भवन आयोग के कार्यालय के निकट अवस्थित होने के कारण काउंसलिंग का कार्य हेतु उपयुक्त है। विदित हो कि विगत वर्षों में आयोग द्वारा कृषि समन्वयक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी की काउंसलिंग इसी भवन में सुचारू पूर्वक की गई थी, अतः अनुरोध है कि बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना भवन के एक्सहिबिशन हॉल में 2 कमरों दिनांक 1/12 और 15/12 तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को काउंसलिंग कराने हेतु निर्देशक बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना को निर्देशित करने की कृपा की जाए, यानी 1/12 और 15/12 तक, 1/12 से लेकर 15/12 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के काउंसलिंग कराने के लिए निर्देश की जाए। यानी ये लेटर है, ये सचिव ने लिखा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार SSC सचिव ने लिखा है कृषि विभाग पटना के द्वारा। इसका कहना यही है कि बिहार जो है बिहार SSC इसका विज्ञापन संख्या 06060114 है, इसके लिए काउंसलिंग 2 मार्च से आयोजित की जानी है, 2 दिसंबर से इसकी काउंसलिंग होना है, इसके लिए भवन की आवश्यकता है, जहाँ ट्रेनिंग होगा इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। वही ये कृषि विभाग के पास लेटर लिखा है कि ये भवन की आवश्यकता यहाँ जल्द से जल्द चाहिए, यही इसमें लिखा गया है। तो इससे यही होता है साबित कि मतलब काउंसलिंग जो डेट है तो यहाँ दे दिया गया है, और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। आप लोग 2 या 3 दिन इंतज़ार करिए, 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका काउंसलिंग जो रिजल्ट है दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है 2 दिसंबर 2021 के लिए यहाँ से काउंसलिंग चालू होगा, तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बहुत जल्द काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा।
तो आज के लिए यही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।